कैसे हैं आप सब? Everyone is here. डॉक्टर हारून नजर नहीं आ रहे. उनकी ड्यूटी थी इमरजेंसी में. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. आज की मीटिंग का एजेंडा तो आप सबको पता है ना, जो हम कैंप्स लगा रहे हैं. जैसा कि आप सबको इल्म है कि हेपेटाइटिस ऐसे एपिडेमिक की तरह फैल रहा है कि वी कैन नॉट इमेजिन. और जिसको हम हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं, सी भी कहते हैं, और एक तरह से साइलेंट किलर भी कहते हैं. जैसे कि हमारा हॉस्पिटल नीलम में है, तो हमने उन जगहों में कैंप्स लगाने हैं जहाँ पे लोगों की रसाई नहीं और ना वो लोग आ सकते हैं हमारे पास. तो उसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें ईमेल आप सबको कर दी हैं. जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं वो उनको आगे फॉरवर्ड कर दें, और जो लोग नहीं जा रहे वो यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एनी सजेशंस? जी, आई डू हैव अ सजेशन. मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन के बारे में पता नहीं है, तो वहाँ जाकर हम उनको वैक्सीनेट कर देंगे. That's a good idea, yes. जी, डॉक्टर ज़ोबिया, do you have any suggestion? सर, मुझे लगता है गाँव में ऐसी जगहों पे सिरिंजेस को बहुत थोड़ी यूज किया जाता है, तो इसके बारे में भी हमें अवेयरनेस देनी चाहिए. सर, मैं ये सोच रहा था कि हम लोगों को ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर पानी बॉयल करके पीने का मशवरा दें तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से. हाँ, इसलिए कि मैंने यहाँ नोट किया है कि लोग चश्मे का पानी यूज़ करते हैं, और बहुत से चश्मे ऐसे हैं जो कंटामिनेटेड हैं, बहुत से साफ़ हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. जी, डॉक्टर असफंदियार, यू हैव एनी सजेशंस? मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक से पहले हम ज़रा लोकेशन हंटिंग भी कर लें. सर, नेक्स्ट वीक के लिए कोई डेट डिसाइड किया आपने? 6 सितंबर. 6 सितंबर? आसिफ, आप 6 सितंबर तो हमारा एक इवेंट है ना? हाँ, तो हम थोड़ी देर अटेंड कर लेंगे. चलो ठीक है, वी विल जॉइन यू लेटर फिर. दैट्स फाइन. ठीक है. बाकी इसके अलावा मैं बस आप सब की फुल सपोर्ट चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब दिल लगा कर काम करेंगे. खैरियत, सल्तनत में सब अमन तो है ना? अमन तो सिर्फ आपके नसीब में लिखा है. आपके सारे पेशेंट सेहतयाब जो हैं. डॉक्टर रुबिया, कभी किसी डॉक्टर को ये दुआ मत दीजिएगा कि उसके सारे पेशेंट सही हो जाएं. देखिए, अगर सारे पेशेंट सही हो गए तो मैं क्या परचून की दुकान में बैठूंगा? बस ये बोलेंगे पेशेंट्स भी आते रहे, काम भी चलता रहे, वो भी ठीक होते रहे, अस्पताल भी चलता रहे. ये क्या हो रहा है? आप भूल गए, डॉक्टर सुंदर ने कहा था कैंप के लिए पोस्टर्स तैयार करने. हाँ, तो कल दोपहर को जाना है, तो एक काम करें, आप चिल करें, जाके टीवी शीवी देखेंगे, बाहर वॉक कर लें. मुझे काम करना है, रेस्ट नहीं करना. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब आप डॉक्टर असफंदियार की खुशनूदी हासिल करने के लिए कर रही हो, डॉक्टर ज़ूबिया? हाँ, क्यों नहीं. मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझसे मेरे काम से खुश हों, मेरी तारीफ करें. तो सर, आप इनकी काम से खुश हैं? कौन सा काम? यही जो इन्होंने किडनी बनाई है, जो कुछ ही देर बाद निकल के बाहर आ जाएगी, उससे. वेरी नाइस, गुड वर्क. थैंक यू. डॉक्टर हारून, मैं कुछ देर में निकलने वाला हूँ, आप बेड नंबर 9 के पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवा दीजिएगा. ओके सर. खुदा हाफिज. क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? जहाँ नहीं हंसना होता तब भी आप हंसते हैं. बात ही हंसने वाली है. ये चंगेज खान अचानक छापा क्यों मार देता है हर जगह? बंदा दरवाजा खोल के, आवाज दे के या नॉक करके भी तो आ सकता है ना. ऐसे कैसे अचानक? आपकी किस्मत वाकई खराब हुई है. एक काम करें, बाकी लड़कियों के सामने तो आपकी बहुत आंखें चलती हैं. देखिए, वो बाकी लड़कियां होती हैं, सही ना? आप तो मेरी कुलीग हैं, फ्रेंड हैं, या फ्रेंड्स. कहीं ऐसा हो कि वो बाहर खड़े होकर सुन रहे हो. ऐसा तो नहीं हो सकता. ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो तो. सलाम अलैकुम शराबत बाबा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम. डायलिसिस के बाद तबीयत जरा बेचैन थी, आराम है.
अगर ठीक है तो सोए क्यों नहीं? देखें, आप ज्यादा सोचा ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और याद रखें कि बीमारी के साथ लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने अंदर तमाम मायूसी भरे ख्यालात निकाल दें। पुत्र, बड़े खुशनसीब माँ प्यो है जिनका तू बच्चा है, इतना रहम दिल, इतना हमदर्द, और तेरे प्यो को तो तेरे पे फखर होगा। बड़े खुश होंगे तेरे घरवाल, अल्लाह तुझे सलामत रखे, दुनिया जहान की खुशियां दे, जुग जुग जिए। दुआ करें कि खुशियों के साथ साथ दिली सुकून भी मिले। सलामत रहे, खुश रहे। तो मैं अपने स्टाफ का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपके बगैर ये कैंप इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। दिन रात आप सबने बहुत मेहनत की है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहब, शुक्र है आप अभी इधर ही हो। जी फरमाएं। मेरी बेबी को बच्चा होने वाला है, उसकी हालत बहुत खराब है, दाई से मामला संभाला नहीं जा रहा, मेरी बेबी और बच्चा दोनों मर जाएंगे, प्लीज मेरी मदद। आपका घर कहाँ है? मेरा घर गाड़ी पे 5-10 मिनट लगेंगे, ये साथ ही तक। ओ मट्टी के परिंदे चल जी ले जिंदगी, ओ मट्टी के परिंदे क्या तेरी बंदगी, ओ मट्टी के परिंदे चल अपनी राह चल, ओ मट्टी के परिंदे रीतों को दे बदल। जाके पेशेंट को अटेंड करें। किस तरफ? डॉक्टर साहब आप बैठे जी, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। बैठे
पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, अगर अभी हमने डिलीवरी नहीं की तो खतरा हो सकता है दोनों की जान को। हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। हाँ। मैं रुस्तम को कॉल करता हूँ एम्बुलेंस के लिए। हेलो, हाँ रुस्तम, हमें फौरन एम्बुलेंस चाहिए। जहाँ हमारा कैंप है ना वहाँ से 5 मिनट का रास्ता, जल्दी आ जाओ। सर वो लेट स्टैंडिंग की वजह से मैं फंस गया हूँ, गाड़ी वापसी नहीं ला सकता। क्या? जी सर, वापसी नहीं आ सकती गाड़ी सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तुम लैंड स्लाइडिंग की वजह से फंस गए, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ऐसा करते हैं कि आप पेशेंट को लेकर आए, हम अपनी गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। कर सब ठीक हो जाएगा। सर सब बैठ। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आपका बेटा बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी बीवी और बच्चे की जान बचाई। बचाने वाली जात तो अल्लाह की है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ मेडिसिन मैंने अभी दी हैं, कुछ लिखी हैं, वो सुबह ले लीजिएगा। आप जाके मिल सकते हैं अपनी फैमिली से। जी जी डॉक्टर साहब। वेल डन। थैंक यू। पेशेंट स्टेबल है और बच्चा? दोनों बिल्कुल ठीक है। ब्लीडिंग तो ज्यादा नहीं हुई ना? नहीं। ये आपकी पहली डिलीवरी है, कैसा फील हो रहा है? पहले बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हाँ डर तो लगेगा लेकिन ये हमारी जॉब है। साहिबा अल्लाह आपको खुश रखे, आपने मुझ गरीब पर बहुत एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान। डॉक्टर साहब आपकी फीस? नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आपके काम आ सके ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब बारिश रुक गई है और देर होगी तो हम चलते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बारिश भी आस्ता होगी, चाय का एक कप। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी अभी लाया, अभी बना के लाया। अरे ओ बच्ची। तुम्हारा बेड़ा गर्क डॉक्टर साहब के कपड़े खराब कर दिए। क्या हो गया, इस तरह क्यों डांट रहे हैं? बच्ची है, गलती से हाथ फिसल गया, गलती तो किसी से भी हो सकती है। कोई बात नहीं बेटा, आप अंदर जाओ। उठाओ ये, उठाओ ये, दोबारा चाय बना के लाओ। एक बात कहूँ आपसे? जी। बच्चों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पे इतना मत डांटा करें। मेरे कपड़ों से ज्यादा उनके एहसासात कीमती है।
ये पी लो। नहीं नहीं आप पिए। पी लो। क्या नहीं ठीक हूँ, थकी तो नहीं। आज आपने एक बहुत मुश्किल और बड़ा काम किया। हॉस्पिटल के फैसिलिटीज के बगैर एक फर्स्ट एड किट के साथ आपने दो जिंदगियां बचाई। आपकी जगह कोई और एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट होता तो वो भी घबराता। और कैंप में भी आपने बहुत मेहनत से काम किया। I really appreciate your hard work. Thank you. हाँ, हम एक दूसरा रास्ता ले रहे हैं। जहाँ से हम आए थे वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया। ये थोड़ा लंबा है, मगर सेफ है। एक सेकंड। क्या हुआ? गाड़ी में कोई मसला हो गया। एक सेकंड मैं देखता हूँ। क्या हुआ? आप गाड़ी में से क्यों उतर आई हैं? प्लीज अंदर बैठ जाए। इतने अंधेरे में गाड़ी कैसे ठीक करेंगे आप? डॉक्टर जूबिया, इस वक्त आप मेरी जिम्मेदारी हैं, लिहाजा प्लीज गाड़ी में बैठ जाए। ठंड है, आप बीमार हो सकती हैं। बीमार तो आप भी हो सकते हैं। देखें, ये बहुत खतरनाक इलाका है, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। प्लीज आप गाड़ी में बैठ जाए। मुझे नहीं लगता इस तरह गाड़ी ठीक हो जाएगी। हम आस पास देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर सके। आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे? चले ओके, जाके देखते हैं। कैसे खोलेगा दरवाजा? कौन है भाई? कौन है? इधर नीचे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन आ गया? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर अशफन यार है, ये डॉक्टर जूबिया है। हमारी गाड़ी थोड़े आगे ख़राब हो गई है। आपसे पूछा था, आपके पास कोई आसपास मैकेनिक है या कोई गाड़ी का बंदोबस्त हो सकता है? आप डॉक्टर अशफन साहब हैं? डॉक्टर साहब माशाल्लाह तो बहुत नेक इंसान हैं। आपने हमारे इलाके में हस्पताल खोला, लोगों की बड़ी खिदमत की आपने। आप परेशान ना हों,
इतनी रात गए और इतनी तेज बारिश में आप कहाँ जाएंगे? मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि मेरे गरीब खाने पे ही रुक जाएं आज। नहीं जी, हम रुक नहीं सकते, हमें आगे जाना है। अच्छा, है हमारे करीब में पड़ोस में एक मैकेनिक। अच्छा, मैं इसका पता करता हूँ। एक मिनट, मैं आपको बिठाता हूँ यहाँ पे। थैंक यू। पिछली बात में आप बैठे, मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया। लीजिए, आप चाय पीजिए। थैंक यू। रात बहुत है, अंधेरा है, मेरे पास रोशनी नहीं है। अगर आप तारिश दे दें बड़ी मेहरबानी, मैं अभी पता करके आता हूँ उसका। आप साथ ही छतरी लेके चले जाएं। छाते की जरूरत नहीं थी। ये बताइए, आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है? बस इधर ही आ गई। आप मुझे चाबी दे दीजिए, मैं मैकेनिक को वहीं ले जाता हूँ उसके पास। मैं अभी जाता हूँ मैकेनिक की तरफ। अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी ठीक हो गई है। हाँ जी, लीजिए डॉक्टर साहब, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की इसमें क्या बात है, आप हमारे मेहरबान हैं। देखिए, आपने हमारी बहुत मदद की है। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये कैसे? नहीं, आपने नहीं डॉक्टर साहब, आप हमारे मेहरबान हैं, हम पे इतनी शफ़क़त करते हैं आप, हम आपसे पैसे लें ये हमें जेब नहीं देता। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल, इकबाल तरखान हूँ मैं। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश रखे, दोनों को। अल्लाह आपको सलामत रखे और अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, जाएं। हाँ, ये मुझे याद नहीं रहा, ये लीजिए। अच्छा, आप जाकर आराम करें, कल हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं। सुबह 6 बजे ड्यूटी है मेरी, अगर मैंने ऑफ कर लिया तो बाकी सारे डॉक्टर्स पे लोड पड़ जाएगा। लोड तो पड़ेगा, लेकिन आपने आज 24 आवर्स की ड्यूटी तो दे दी है, लिहाजा बेहतर है कि आप कल का दिन आराम करें। आप फिक्र ना करें, मैं आ जाऊंगी सुबह। थैंक यू। छोटी छोटी बातों पर इतना मत डांटा करें, मेरे कपड़ों से ज्यादा उनके एहसासात कीमती हैं।
I really appreciate your hard work. हाँ जी, पेशेंट नंबर 10 का सीटी स्कैन किया तुमने? जी, अभी उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है और ब्लड भी अरेंज कर रहे हैं पेशेंट के लिए। आज जो लंच हो रहा है उसका ड्रेस कोड कैजुअल है या फॉर्मल? वैसे मैं तो यही पहनूं। कौन सा लंच? जो आप करवा रही? मैं कंफ्यूजन दूर करती हूँ। बात यह है कि आपने परसों जो डिलीवरी केस किया था ना, तो डॉक्टर स्वन्यार ने आपकी काफी तारीफ की है और बात यह है कि उसी खुशी में ये बात कर रहे हैं। हाँ, अश्वन कह रहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन तुमने बहुत अच्छा हैंडल किया। वेल डन। तो इस तारीखी दिन के मौके पे लंच, कंजूसी की तो डिनर भी। अच्छा, फिर लंच करवा दूंगी। ओके, मैं जा रही हूँ, मेरी ड्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई आप? जी सर। रेस्ट कर लिया? गुड, गो चेक ऑन बेड नंबर 17 प्लीज। भी चाय बना दूं? पराठा तैयार है। नहीं नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। वो खून वून के टेस्ट के लिए जाना है ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि भूखे पेट आ जाना। अब वो बेचारी खुद बीमार थी, फिर मैं मसरूफ थी। सोचती हूँ कि बस आज चली ही जाऊं अस्पताल। तो बस वक्त किधर जा रही हो माँ? अस्पताल जाऊंगी, वो डॉक्टर नहीं है, उसने खून के टेस्ट के लिए बुलाया है मुझे। अम्मा, मुझे तुम्हारा डॉक्टरनी से रोज मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी मुंह उठाकर हमारे घर आ गई थी, उसका क्या काम था हमारे घर में आने का? डॉक्टरनी है, जाकर अस्पताल में डॉक्टरी दिखाए। और वैसे भी मुझे ये शहरी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और डॉक्टर जोबिया ये तो बहुत ही चालाक और मकार औरत है। अब हर बात में कीड़े मत निकाला करो, खामखा उस बेचारी के पीछे ही पड़ गए हो। अच्छी लड़की है वो, देखो कितनी पुरानी खांसी थी मेरी, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम भी बदल बदल कर दवाएं लाकर दे चुके, लेकिन इसकी दवा में असर है। कितना अच्छा खांसी का शरबत इसने मुझे दिया, बिल्कुल ठीक हो गई। और अब तो आराम से रात को सो जाती हूँ, इसकी दवा मुझे लगती है। मैं सोचती हूँ कि अगर इलाज जारी रखूँ तो ये मनहूस घुटनों का जो दर्द है ना, इससे भी निजात मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, चली जाना। ये चाय कौन ला कर देगा मुझे? अरे क्या मनुष्य औरत मेरे सर पर बांधती है। अच्छा, मर मर कर काम करती है। गुस्सा नहीं करो, दे दो चाय इसको। मैं खजिस्ता को भी साथ लेके जाऊंगी बेटा। खजिस्ता को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, और मैं खाली पेट जाऊंगी, वो मेरा खून निकालेंगे, अगर बेहोश बेहोश हो गई तो फिर क्या बनेगा। अच्छा, ले जाना इसे, लेकिन याद रखना इसको अपने साथ रखना, इसको घर से बाहर निकलने का बहाना चाहिए। और अगर मुझे पता चल गया ना कि इसने वहाँ किसी से बात की है, तो मैं इसकी भी टांगे तोड़ दूंगा और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अबे लाला, क्या सुबह सुबह चीख रहा है? कभी तो आराम से बैठ के नाश्ता कर लिया कर, रिस्क रखा हुआ तेरे सामने। मेरी बीवी, मेरी मर्जी, मैं जो बोलूं तू क्यों बोलता है? अंदर से मत बोला कर, मेरे काम है। अच्छा अच्छा, बहुत गुस्सा नहीं करो, नाश्ता करो। कमा कर भी मैं लाऊं, पैसे भी मेरे लगे, अयाशी ये लोग करें। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलते। वो जो चंद हजार रुपए तू कमाता है ना, उसमें ये पराठे और अंडे नहीं खा जाते। तुम्हारी तरह खानों की जूतियां नहीं सीधी करता, मैं स्मगलिंग का माल इधर से उधर करता हूँ, हलाल की रोजी कमाता हूँ, हलाल खाता हूँ। क्या बोला तुमने? अरे अरे,
अरे क्या कहा तुमने? सही कहा, मत करा कर लाला, छोड़ दे सुबह सुबह दिमाग की दही नहीं बना अभी। बात करता और दो दो तुम्हारा क्या होता है मुझे, क्या कह रहे हो तुम? आता था तुझे मैं बता देता अभी। देखने का बचा वो सुबह तुम लोगों के यही। चल बेगैरत, क्या हो गया तुम्हें? जाने दो रुस्तम, बेटा नाश्ता तो करते जाओ। नहीं करना अम्मा, मैंने मेरे ऐसे का इसी को खिला दे, अल्लाह ऐसा भाई किसी दुश्मन को भी ना दे। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही होते, बड़ा नाश्ते रख रही थी उसके सामने, शोर को छोड़कर देवर की खिदमत कर रही हो। उम्मीद अगर मैंने तुम्हें देख लिया ना, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भाई है वो तुम्हारा, भाभी है वो उसकी। अम्मा इस पे नजर रखा कर, ये बात रुस्तम के आगे पीछे फिरती है। अगर मैंने दोनों को देखा ना, यही जमीन में गाड़ दूंगा। नाश्ता आराम करती है। से पाकिस्तान वापस आने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है, खाना बना बनाए मिलता है, चाय बनी भी मिलती है, हर चीज टेबल पर तैयार। शादी कर लो असफी, फायदे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, खाना बना बनाए मिलेगा और पेश भी किया जाएगा। थैंक यू। वैसे आपकी दोस्त कहाँ है? काफी दिनों से आपसे मिलने नहीं आई। कौन? ज़ुबिया? Obviously. यहाँ कितने दोस्त हैं आपके? वो तो सीरियसली तुम लोगों के हॉस्पिटल की नजर हो चुकी है। हम इतना प्लान करते हैं मिलने का, लेकिन वो कभी तुम लोगों के हॉस्पिटल के मेडिकल कैंप बिजी होती है, और कभी तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर छुट्टी कर लेता है तो तुम लोग उसको कॉल पे बुला लेते हो। क्यों? फिर तो बड़ी मजलूम है आपकी दोस्त, उसकी जॉब है और तुम्हारा बहुत खौफ है उसे। जब भी उसे घर पे बुलाऊं तो बहाना बना लेती है। आई नो मैं बोलती नहीं हूं, लेकिन बहुत डरती है तुमसे। मैं जानता हूं मैं बहुत डरावना हूं। ऐसे जो नक्शा आप खींच रही हैं, लगता तो नहीं कि मुझसे डरती है। क्या हो गया, इस तरह क्यों डांट रहा है? बच्ची है, गलती से हाथ फिसल गया। बच्चों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पर इतना मत डांटा करें। मेरे कपड़ों से ज्यादा उनके एहसास कीमती हैं। ये इतना महंगा बैग तुमने खराब कर दिया है। प्लीज बैठ जाओ, इट्स ओके यार। यार सुनो, तुम्हें कोई गीला फरियाल, प्लीज गीला कपड़ा लेके आगे से साफ करो। आपके इतने महंगे रेस्टोरेंट में इतने अनट्रेन वेटर्स हैं। क्या हुआ? ये देखिए मेरा इतना महंगा बैग, इसने खाना गिरा दिया इस पे। फरियाल प्लीज मुझे नहीं रहना इधर। ओके मैम, आई एम सॉरी, इसके तरफ से मुझे कुछ भी नहीं सुनना। चलो इधर से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। चलो इधर से। क्या लग रहा है कि मैं ये बैग फिर से यूज करूंगी? तो क्या इसे फेंक दोगी? फेंकूंगी नहीं, किसी समन को दे दूंगी। इतने नखरे, इतना गुस्सा और इतने नखरे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते मिस फरियाल रिजान। तुम
आराम से। डॉक्टर ज़ुबिया आइए। जी सर। मैंने दोपहर 3 बजे बेड नंबर 6 के पेशेंट की रिपोर्ट समरी आपसे मंगवाई थी। सर मैं देने के। सुनिए, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप बेशक बता दिया करें, मैं किसी और को कह दूंगा। सर मैं आई थी लेकिन। और मुझे ऐसे लगना शुरू हुआ कि शायद आप अपने काम को सीरियसली लेना शुरू कर। I guess I was wrong. सर मैं आई थी मगर आप रूम में थे। Please. No more excuses. के बाद यकीन का सफर।